नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सक्सेस ट्रिपिंग चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी का टाइपिंग टेस्ट हो चुका है और टाइपिंग टेस्ट होने के बाद एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ हमने तैयार किया है, क्योंकि कैंडिडेट्स के बहुत ही डिमांड आ रहे थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार की जाए, बताई जाए। तो उस अनुसार हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। हमने काफ़ी जगह से ओपिनियन लिया, एनालिसिस किया, उसके बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बना रहे हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट 1786 थी अप्रोक्स, 1786, और टोटल कैंडिडेट कॉल फॉर टाइप टेस्ट, इसमें जो टाइपिंग के लिए टोटल कैंडिडेट बुलाए गए थे 10,950 कैंडिडेट बुलाए गए थे। और अप्रोक्स अपेयर्ड फॉर टाइप टेस्ट, मतलब कि जो टाइप टेस्ट में अपेयर्ड हुए, कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिए टाइप टेस्ट के, तो करीब करीब मान लीजिए कि 10,950 को बुलाए गए थे, तो हर एग्ज़ाम में करीब करीब 1,500 से 2,000 कैंडिडेट एब्सेंट रहते ही रहते हैं। तो उस अनुसार एक अप्रोक्स निकाला गया है कि 8,500 से लेकर 9,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है, टाइप टेस्ट। तो इसको हम परसेंटेज में अगर निकालेंगे तो इन परसेंटेज 1786, मान लीजिए 9,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो 9,000 का 1786% में निकालेंगे तो 19% अप्रोक्स कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर फाइनल रिजल्ट, मतलब 19% जो अप्रोक्स बच्चों को लेना है, जो फाइनल सेलेक्टेड होंगे इसका, जब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा तो 19% बच्चों को लेना है। तो दोस्तों, अब इसके एग्ज़ाम के लेवल की बात की जाए तो रिटन टेस्ट लेवल था मॉडरेट और इजी था, और टाइपिंग टेस्ट जो लेवल था वो इजी था, क्योंकि इसमें कोई कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह नहीं थे, देखा जाए तो बहुत ही ईजी था, और रिटन भी मॉडरेट प्लस ईजी ही था। इस अनुसार जो टाइपिंग हुई है उसमें काफ़ी रिमिंगटन गेल वालों को प्रॉब्लम आई है, कहीं कहीं सॉफ्टवेयर की दिक्कत आई है, और काफ़ी लोगों का जो टाइपिंग है हिंदी का काफ़ी ख़राब गया है जैसा सुनने को आ रहा है, और कहीं कहीं लोगों के इंग्लिश की भी टाइपिंग खराब गए हैं। तो उस अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली है हमने, और जैसा कि जानते हैं कि आप कि रिटन टेस्ट में मैक्सिमम बच्चे 75 से नीचे के नहीं थे, 75 से ऊपर के ही थे, 75, 80, 85 और 90 तक के बच्चे थे, और टाइपिंग भी काफ़ी लोगों की अच्छी गई है, काफ़ी लोगों की खराब भी गई है। तो उस अनुसार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकल के आ रही है दोस्तों, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की अगर हम एग्रीगेट परसेंटेज में देखें तो 84% से 88% के बीच में रहने वाली है, यानी कि 84% एक मार्क्स में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 126 से लेकर 132 के बीच में जनरल की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि यहाँ इसकी कट ऑफ ज़्यादा हाई तो नहीं जाएगी और एकदम लो भी नहीं जाएगी, तो इसके बीच बीच में रहेगी, मतलब एक हाई का ही लेवल मान के चलिए, क्योंकि इसका पेपर का लेवल जो था रिटन का इजी था और टाइपिंग भी काफ़ी हद तक इजी थी। तो इस अनुसार जो कट ऑफ है 84 तक ही रहेगी, 84 to 88 इतना हमने निकाला है, ये एक्सपेक्टेड है। तो यानी कि 126 से लेकर 132 के बीच में रहेगा, और OBC का 83% से लेकर 85% एग्रीगेट परसेंट रिजल्ट रहेगा। तो उस अनुसार 124 से लेकर 127 के बीच में OBC का, और SC का 78% से लेकर 82% रिजल्ट रहेगा, तो 117 से लेकर 123 तक में SC का रहेगा, और ST का 65% to 70%, यानी कि ST का रिजल्ट थोड़ा सा डाउन जाता है आप जानते ही हैं, तो ST का 97 to 105 के बीच में जिनके नंबर हैं उनके होने के चांसेस हैं। इसी तरह वुमेन्स का देखा जाए तो वुमेन्स भी 75% to 80% रिजल्ट रहेगा, यानी कि 112 से लेकर 120 के बीच में रहेगा, और PH का 77% to 79, 115 से लेकर 118, PH, DFF, SPP इन तीनों के लगभग सामान्य रहता है कट ऑफ आगे पीछे। इसी अनुसार DFF डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर 78% से 81%, 117 से लेकर 121 तक, और स्पोर्ट्स पर्सन 80% to 82%, 120 से लेकर 123 तक, और एक्स सर्विसमैन कट ऑफ बहुत लो जाती है, तो इसलिए एक्स सर्विसमैन का 60% to 66% के बीच में रहेगा, तो 90 to 100 के बीच में एक्स सर्विसमैन का रहेगा। तो दोस्तों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस कट ऑफ से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि कितनी कट ऑफ रहेगी। ये हमने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, आप भी अपना कमेंट में अपना व्यू बता सकते हैं कि क्या लगभग रह सकती है कट ऑफ।
तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहें सक्सेस थ्रिविंग चैनल के साथ, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।